आपने आज तक सिर्फ सच का साथ दिया है, आज आपको क्या हो रहा है? आज आप शनाया का साथ क्यों दे रही हैं? शनाया का साथ मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि शनाया का साथ भगवान ने हमारी किस्मत पे लिखा है और भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। मतलब शनाया पल्लवी की बेटी है। शनाया पल्लवी की बेटी है और आपको ये पता है? मतलब माँ आप जानती है कि वो यहाँ सिर्फ हमें बर्बाद करने आई है, फिर भी आप कुछ नहीं कह रही? आपने उसे नौकरी पे क्यों रखा हुआ है? क्या हो गया है आपको? और कितनी बर्बादी का इंतजार कर रही हैं? साक्षी, तेरी नाराजगी जायज है, पर बेटा जैसे तुझे करण, लतिका और चिराग को लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, वैसे ही इस बच्चे को भी लगता है कि मैंने उसकी माँ के साथ गलत किया है। नहीं माँ, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। अगर गलत किया है तो सिर्फ पापा ने किया है। ये बात तू समझती है? वो नहीं, अभी वो ना समझ है। एक बार उसकी आंखें खुलेंगी ना तो वो सब समझ जाएगी, तब उसका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। और तब तक हम क्या करें? हाथ पे हाथ रखकर इसे हमारी फैक्ट्री को बर्बाद करने दे? इंतजार तो करना पड़ेगा, मैं उसे काम से नहीं निकाल सकती, मेरा दिल नहीं मानता। और वैसे शनाया बुरी नहीं है, बस नादान है, बच्ची है। अब बहुत बड़ी गलती कर रही हैं हम, और आपकी ये गलती ना हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। साक्षी सही कह रही है, पर जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। आपके लिए नींबू पानी। मुझे तो लगा था तू अपनी माँ से नाराज है और बात नहीं कर रही मुझसे। बेटी कभी माँ से नाराज हो सकती है क्या? पर हाँ, मुझे फिक्र जरूर हो रही है। मैं अभी भी नहीं चाहती कि आप शनाया को काम पर रखें, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माँ। बेटा हो सकता है तू सही कह रही हो, लेकिन मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता। और मेरा विश्वास कहता है कि शनाया सुधर जाएगी, मेरा यकीन कर बेटा। ठीक है माँ, जैसे आप सही समझे। वैसे मैंने नए कपड़ों का ऑर्डर दे दिया है, कल तक आ जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? आपने अपना मंगलसूत्र ज्वेलर को दे दिया ना, तो उसके बदले में जो पैसे आए हैं मैंने उसी से खरीद लिए। ये तो अच्छा किया तूने। नकली हुआ तो क्या हुआ साक्षी? तेरा प्यार तो नकली नहीं है ना, और उसे कोई नहीं छीन सकता। वैसे सुंदर है माँ। हमारा काम एक बार अच्छे से चल जाए ना, फिर मैं आपके लिए सबसे महंगा मंगलसूत्र ले आऊंगी। आई प्रॉमिस। सच कहूँ साक्षी, तो मैं भी इसके बगैर अपने आप को बहुत अधूरा महसूस कर रही थी।
हम पटोला साड़ीज के लिए डिजाइनर यहाँ मुंबई में ढूंढ रहे हैं। अगर सच में गुजरात के किसी गांव में ढूंढते ना तो कब तक हमें डिजाइनर मिल चुका होता। प्लीज लतिका, मैं बहस के मूड में नहीं, मैं हर बार अपनी साड़ियाँ इस तरह रिजेक्ट नहीं करवा सकती। मुझे किसी भी हालत में बेस्ट डिजाइनर चाहिए। सच तो ये है कि जो बेस्ट डिजाइनर आपको चाहिए आपको कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बेस्ट डिजाइनर सिर्फ और सिर्फ मेरी मामा है। बस लतिका, बस आप कीजिए पल्लवी, मान लीजिए अपनी हार। इतने सारे बिजनेस हाउसेस, हमें काम कहीं से भी मिल सकता है, तो फिर सिर्फ मीता ही क्यों? मेरे ख्याल से लतिका बिल्कुल ठीक कह रही। इस प्रोजेक्ट के लिए अब एक बड़ा डिजाइनर हायर करना हमारे बजट में नहीं रहा। मुझे बजट की कोई परवाह नहीं, मुझे मीता का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मींस चाहिए किसी भी कीमत पर। बात अब बिजनेस की नहीं, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की। देखो पल्लवी, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी इस जिद की वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कमल लतिका, लेट्स गो, मीटिंग के लिए देर हो रही है। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मां, क्या हुआ? शारदा ने न जाने कौन सी जादू की पूड़ी खिला दी सबको, सब उसी के गुनगा रहे। अब माँ जी को ही देखो, उनके लिए कुछ भी करो तो भी उन्हें बस शारदा ही चाहिए, और तुम्हारे पापा कोई भी बहाना लेकर उसे मिलने चले जाते हैं। और मीता मेरी दोस्त, लेकिन उसे सब उसकी कंडीशन पता है, फिर भी उसका भरोसा शारदा पर है। शारदा, 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 तंग आ गई हूं मैं इस नाम से। ना मॉम, रिलैक्स। मॉम, जो कमजोर होते हैं ना उन्हें 10 लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है, और मेरी मॉम तो बहुत स्ट्रांग है ना? बेटा, मैं एक फाइल भूल गया हूँ, तुम चलो मैं जरा लेकर आता हूँ। डोंट वरी मॉम, शारदा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी मॉम। बेटा, तूने तो वहां का काम छोड़ दिया ना? हाँ मॉम, आपने मना किया ना, उसी दिन छोड़ दिया। वो सब छोड़िए ना मॉम, मॉम आप ना रेस्ट कीजिए, चलिए, इतनी टेंशन लेंगी ना तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। कम ऑन, चलिए मॉम। शारदा जी, अब सिर्फ 50 साड़ियां बनने को बाकी रह गई हैं, और माँ हमारे पास 2 दिन और बचे हैं। मुझे लगता है हम टाइम पर ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे। लगता नहीं, हम हर हाल में अपना ऑर्डर वक्त पे डिलीवर करेंगे, तू देखना। ओ गॉड, मुझे इन्हें डिले करने के लिए कुछ तो करना होगा। शनाया, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है। ये जो तुम स्टिच कर रही हो ना, ये गलत है। देखो बेटा, ये जो ये स्टिच है ना, इसको सुई के ऊपर से इस धागे को घुमाना होता है, इस तरह नीचे से नहीं। तुम यहाँ नीचे से ले रही थी तो वो सारा गलत पड़ जाएगा पैटर्न। हाँ यस मैम। देखो, छोटी सी गलती करने से सारा ये डिजाइन खराब हो जाता है। सॉरी मैम, वो गलती होगी। कोई बात नहीं, कोई जानबूझ के गलत काम नहीं करता, है ना? चलो तुम करो। और पता है, ये साड़ी जो होती है ना, हमारे जीवन की तरह है, और ये रंग बिरंगे धागे हमारे रिश्तों की तरह, हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, बिल्कुल वैसे जैसे अलग अलग रंग के धागे की अपनी अहमियत होती है। थोड़ी सी भी चूक होने से
साड़ी की खूबसूरती खराब हो जाती है, वैसे ही हमारे रिश्तों में जरा सी भी चूक हो तो हमारी जिंदगी की खुशियां धुंधली पड़ जाती हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ जी मैम जी, चल तो काम कर। इतना ज्ञान तो स्पिरिचुअल गुरु भी नहीं देते, बट थैंकफुली इसे बेवकूफ बनाना ना बहुत आसान है। कितनी भोली है ये। अब ध्यान से काम करना। जी मैम। कमाल है, मैंने इतनी गलतियां की, इसने कभी भी मुझे नहीं डांटा। एक बार तो गुस्सा होना ही चाहिए था ना। अजीब औरत है ये। डोंट वरी मॉम, शारदा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मॉम शारदा, मेरे किए की सजा तुम्हें मिल रही है। तुमने तो मुझसे कभी कुछ भी नहीं लिया, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं। तुम तो बस अपनी जिंदगी और अपनी पहचान बनाना चाहती थी। इनको इतना भी मंजूर नहीं है। अगर तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या करोगी तुम? करण के पास भी कोई जॉब नहीं है, ऐसे में तुम सब लोग कैसे रहोगे? नहीं शारदा, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही होगी। मित्तल वाली फाइल नहीं मिल रही है कहीं। एक मिनट, वो उस बैग में होगी शायद। वाह, या मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई। ये चेक शारदा के लिए नहीं है, ये तो शारदा टेक्सटाइल्स के लिए है। अरे आदत पड़ गई है ना शारदा टेक्सटाइल्स के लिए चेक लिखने के लिए, तो पल्लवी टेक्सटाइल्स लिखने के बजाय मैंने शारदा लिख दिया और वहीं रुक गया। झूठ मत बोलो। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? जो सच है वो यही है। लो हो गई बात खत्म। बात तो तब खत्म होगी जब उस औरत की पहचान खत्म हो जाएगी। उस औरत ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। ओ वाओ, हिंदी की टेक्स्ट बुक में तो पढ़ा था घर का भेदी लंका ढाए। आज मीनिंग अच्छे से समझ आ गई। इसके पहले की डैड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शारदा की हेल्प करने की कोशिश करें, मुझे उसे बर्बाद करना होगा। सच में मां, आप आग के साथ खेल रही हैं। आप शनाया को नौकरी से निकाल क्यों नहीं देती? साक्षी, नौकरी से निकालना हल नहीं है। उसके बदले की भावना तो फिर भी रहेगी। तो मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढूंगी उसे समझाने का। तू परेशान मत हो बेटा। मां मैं कैसे परेशान ना हूं? आपने देखा है अब तक उसने क्या क्या किया।
कहीं उसे बदलने के चक्कर में हम बर्बाद ना हो जाए। साक्षी मैं क्या हुआ? आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? करण को कुछ नहीं बेटा, वो फैक्ट्री के कुछ लोगों की बात कर रहे थे। तो बता तेरा दिन कैसे रहा? मैं सही जैसा कि रोज जाता है मॉम। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी और फील्ड में जॉब ट्राई करता हूँ। इस फील्ड में तो बात बनती दिखी नहीं रही। अरे बेटा ऐसे नहीं कहते, दिल छोटा मत कर, देखना सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। चल हाथ में धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। साक्षी बेटा करण को शनाया के बारे में मत बताना, गरम दिमाग है, पता नहीं वो क्या कर बैठे। मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है माँ, लेकिन एक ना एक दिन करण को जरूर पता चलेगा और उस दिन उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। साक्षी मैं करण को जानती हूँ, वो समझ जाएगा। जैसे मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन शनाया भी समझ जाएगी। I'm sorry, पल्लवी। मैं जानता हूं कि तुम नहीं चाहती कि मैं शारदा की कोई भी मदद करूं, लेकिन मैं उसे ऐसे सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकता। आखिर वो भी तो मेरे बच्चों की मां है। ये चेक मैं कल ही शारदा को भिजवा दूंगा। ये केमिकल मशीन को जैम कर देगा और उन्हें लगेगा कि ऑयल लीक हुआ है। ग्रेट। सारी मशीन्स खराब करूंगी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। सिर्फ दो मशीन्स खराब करती हूँ। शारदा बची हुई मशीन्स पर कभी ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं लंगड़ा घोड़ा रेस में कितना दौड़ता है। मॉम जीत तो सिर्फ आपकी हो। नेहा ये देख तो मेरा मशीन ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। आती हूँ देखा देख। क्या हो गया इसमें? क्या हुआ? देखिए ना शारदा जी, मशीन को क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। अरे ये तो एकदम जाम हो गया है। पर ऐसे अचानक ये इतना तेल कैसे लीक हो रहा है? तेल? तेल तो मेरी मशीन पे भी पड़ा है। हाँ ये दोनों मशीन्स में
क्या वो? मैं जानती थी शनाया फिर कुछ ना कुछ जरूर करेगी और ये उसी का काम है। एक काम करते हैं, मैकेनिक को बुला लेते हैं। अगर मैकेनिक आएगा तो वो भी दो तीन दिन लगाएगा, तब तक ये साड़ियाँ। शारदा जी बिना पेडल भी काम करेंगे ना तो तेल की वजह से कपड़े खराब हो जाएंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम लोग हाथ से काम कर लो और बाकी की मशीन तो चल रही है ना। लेकिन अगर हाथ से काम करेंगे तो इतनी जल्दी इतनी सारी साड़ियाँ कैसे बनेंगी शारदा जी?